आध्या ने अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाया और घबरा सी गई और उसने कहा, ये है कौन जिसने इस तरह से गाड़ी रोकी है? आध्या ने जब गाड़ी के अंदर देखा तो एक आदमी चेहरे पर मास्क लगाए गाड़ी के अंदर बैठा था और आध्या को देख रहा था। आध्या ने कहा, अरे ये तो वही है जो मेरा पीछा कर रहा था, और ये मास्क, ये तो। आध्या हैरान परेशान थी और घबरा रही थी। आध्या ने तुरंत गाड़ी के दरवाजे को लॉक किया और अपने आसपास देखा। जिस सड़क पर आध्या की गाड़ी रुकी थी वहां बहुत कम लोग ही आते जाते थे। आध्या घबरा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आध्या ने गाड़ी को स्टार्ट किया और हॉर्न बजाना शुरू किया। आध्या हॉर्न बजाते हुए बोली, हटो रास्ते से, मुझे निकलने दो, नहीं तो तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूंगी। मास्क वाले आदमी पर आध्या के हॉर्न का कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो बीच रोड पर आध्या की गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था और सिर्फ आध्या को घूरे जा रहा था। आध्या ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, ये तो वही है जिसने होटल में धैर्य पर हमला किया था, यानी कि। अब आध्या का दिमाग और भी उलझता चला जा रहा था और उसने कहा, मतलब जिसने होटल में हमला किया और फिर जिसने मुझ पर हमला किया और वो जो रोज मेरा पीछा कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है, और ये कोई और नहीं बल्कि मोक्ष ही है। आध्या ने जब मोक्ष को ध्यान से देखा वो पहचान गई। आध्या गाड़ी से बाहर निकली और वो मास्क वाला आदमी भी बाहर आ गया। आध्या ने उससे कहा, तुम जो भी कर रहे हो मुझे सब पता है, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो, मैं उसी दिन ही तुम्हें पहचान गई थी और आज तो तुम्हें देखकर मेरा शक भी यकीन में बदल गया। जब मोक्ष ने आध्या की बात सुनी तो वो एक्टिंग करने लगा और बोला, क्या जान गई हो तुम, तुम कुछ नहीं जानती हो और चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो। आध्या ने मोक्ष से कहा, नहीं तो क्या, क्या करोगे तुम मोक्ष? मोक्ष ने जैसे ही आध्या के मुंह से अपना नाम सुना वो घबरा गया और उसे समझ नहीं आया उसे अब क्या करना चाहिए, और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या मोक्ष और कौन मोक्ष, मैं कोई मोक्ष नहीं हूँ, और तुम ये सब बातें मत करो और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो मुझे कैसे बैठाना है वो भी आता है। आध्या ने कहा, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो मोक्ष, और अब तुम्हारा सच सामने आ गया है और अब तुम्हें भी जो सच है वो बताना होगा, तुमने ये सब किया क्यों? मैं तो सोचकर भी घबरा जाती हूँ कि ये सब तुम कर रहे हो, लेकिन क्यों? मोक्ष ने कहा, तुम्हें कैसे बताऊं मैं कोई मोक्ष नहीं हूं, और मुझे बार बार मोक्ष कहना बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो। आध्या सच जान चुकी थी और उसे पता था कि ये मोक्ष ही था, लेकिन वो मोक्ष न होने की एक्टिंग कर रहा था। आध्या ने कहा, तो क्या मोक्ष, तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम जो भी कर सकते हो करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम और क्या कर सकते हो, वैसे भी तुमने काफी कुछ कर ही लिया है, और भी कुछ कर दोगे तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं होगा। मोक्ष ने गन बाहर निकाल ली और बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आध्या ने कहा, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे सच का पता चल गया है, और अब तुम भी एक्टिंग करना बंद करो मोक्ष। मोक्ष अपना नाम सुनकर इरिटेट हो रहा था और उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि आध्या उसे पहचान गई थी, और अगर सारा राज खुलेगा तो मोक्ष और उसकी पूरी फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मोक्ष ने कहा, अगर तुम जल्दी से मेरी कार में नहीं बैठी तो फिर मैं तुम पर गोली चला दूंगा। मोक्ष ने आध्या पर गन पॉइंट कर दी थी और बोला, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। और मोक्ष आध्या की तरफ आया और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगा। आध्या ने झटके में मोक्ष के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, धैर्य सही कहता था, तुम और तुम्हारा परिवार मुझे किसी न किसी चीज में फंसा रहा था, तुम ऐसे होगे मोक्ष मैंने कभी सोचा नहीं था, और अब ये नकली चेहरा उतार दो, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने है, मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। मोक्ष जानता था कि आध्या को सच पता चल चुका था, इसीलिए वो और भी डेस्परेट होकर आध्या को अपने साथ ले जाना चाहता था, और वो आध्या से जबरदस्ती कर रहा था। आध्या ने मोक्ष से कहा, तुम मुझे कहाँ और क्यों ले जाना चाहते हो, और तुम ये फोर्सफुली क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मोक्ष, कि आखिर तुम चाहते क्या हो। मोक्ष ने आध्या की बात का जवाब नहीं दिया और बस उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता रहा। मोक्ष ने आध्या से कहा, तुम मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, चुपचाप जहां भी मैं ले चल रहा हूं वहां पर चलो, अब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूं और तुम्हें क्यों लेकर जा रहा हूं। मोक्ष जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी मोक्ष पर किसी ने अटैक किया और वो जमीन पर गिर गया। वहीं वीरा भी अपनी मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंच गई थी, जहां उसे हथियारों की डील करनी थी। जैसे ही वीरा दिल्ली पहुंची उसे कुछ ऑफिसर लेने के लिए आ गए, वीरा उन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए चली गई। उधर ऋषि ने प्रताप जी से कहा, मैंने सुना है आप हथियारों की एक और डील करने वाले हैं। प्रताप जी ने ऋषि से कहा, हाँ ये डील भी काफी बड़ी है, और इसके लिए मैंने देहरादून से वीरा राजवंश को बुलाया है, बस उनसे कुछ ही देर में मेरी मीटिंग है और फिर देखते हैं क्या होता है। ऋषि ने जैसे ही वीरा का नाम सुना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया और प्रताप जी वहां से चले गए। ऋषि ने मन में कहा, मतलब वीरा मीटिंग के लिए दिल्ली आई है और उससे ही हथियारों की डील होने वाली है, और ये डील ये लोग सिर्फ अकेले करने वाले हैं। ऋषि हैरान था और उसने कहा, वीरा से डील करने का मतलब है खतरे को सामने बुलाना, ये लोग उससे डील नहीं कर सकते हैं, और मुझे जरूर इस डील में शामिल होना होगा,
वरना ये लोग तो न जाने क्या करेंगे। मीटिंग शुरू ही हुई थी कि ऋषि भी मीटिंग में पहुंच गया, और जिसने भी ऋषि को मीटिंग में देखा वो हैरान रह गया। वीरा भी ऋषि को देखकर हैरान थी और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। ऋषि और वीरा एक दूसरे को देखते रहे। वहीं मीटिंग के लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ऋषि इस मीटिंग के लिए कैसे आ गया, क्योंकि इससे पहले ऋषि कभी भी किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। वहीं वीरा और ऋषि एक दूसरे को देखकर ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उधर मोक्ष को चोट लग गई थी और तभी धैर्य वहां पर आ गया। धैर्य ने आध्या का हाथ पकड़ा और आध्या से पूछा, तुम ठीक तो हो? अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आ गया हूँ और मेरे रहते तुम्हें कोई भी कहीं भी नहीं ले जा सकता है। आध्या ने धैर्य को हक कर लिया और उससे जोर से लिपट गई और रोने लगी। धैर्य ने आध्या की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ आध्या, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आध्या ने धैर्य से कहा, मैं जानती थी कि ये जो कोई भी था वो मोक्ष ही था, लेकिन आखिर ये सब क्यों कर रहा है? इसे मुझे परेशान करके क्या मिलने वाला है? मुझे मारकर और मुझे हर्ट करके इसे क्या मिल जाएगा? और मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ये इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। धैर्य ने आध्या को समझाते हुए कहा, तुम ये सब मत सोचो, अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बाकी ये क्यों कर रहा था ये सब भी पता चल जाएगा। मोक्ष ने कहा, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और आध्या तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। मोक्ष ने धैर्य के ऊपर गन रखी और उसने कहा, अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये गोली इस पर चला दूंगा, और वैसे भी इस धैर्य की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, अगर ये इस दुनिया में नहीं होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आध्या ने मोक्ष से कहा, मोक्ष तुम पागलपंती मत करना, और अगर धैर्य को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो, अपनी गन नीचे करो। मोक्ष एकदम पागल सा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई भूत सवार था और वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उसने आध्या पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, नहीं तो आज इस धैर्य को मैं यहीं मार दूंगा, अभी कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना होगा। धैर्य ने मोक्ष से कहा, देखो जो भी बात है वो तुम मुझसे कर लो, लेकिन ये गन नीचे रखो और पागलपंती मत करो, वरना ये पागलपंती तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मोक्ष ने धैर्य पर चिल्लाते हुए कहा, तुम तो एक शब्द भी मत बोलना, तुमने अगर कुछ भी बोला तो मैं गोली चला दूंगा, तुम्हारी वजह से पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, एक जिंदा इंसान को मरने का नाटक करना पड़ रहा है, मेरी फैमिली मेरी लाइफ सब कुछ तुम्हारे कारण ही बर्बाद हुई है। धैर्य ने मोक्ष से कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं था, फिर मैंने ऐसा क्या किया है और मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद क्यों करूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? देखो तुम्हें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन पहले ये गन नीचे करो। मोक्ष गुस्से में आया और धैर्य के सीने पर गन रखकर बोला, तू जिसे बोला है ना तू शांत रह, फिर भी तू अपनी ही बात किए जा रहा है, एक वर्ड भी अगर तूने बोला तो ट्रिगर दबाने में मैं देर नहीं करूंगा। आध्या ने जैसे ही देखा मोक्ष ने धैर्य के सीने पर गन रखी थी, तुरंत ही आध्या जोर से चिल्लाई और बोली, मोक्ष रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज प्लीज हमें जाने दो और ये सब मत करो, तुम जो चाहोगे हम करेंगे, लेकिन हमें अभी छोड़ दो। मोक्ष ने आध्या की तरफ देखा और बोला, मुझे तुम दोनों से कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा। आध्या ने मोक्ष के सामने हाथ जोड़े और बोली, मोक्ष तुम्हें हमारे साथ इस तरह से करके क्या ही हासिल हो जाएगा, तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने बदल क्यों गए हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और आज तुम मुझे ही हर्ट कर रहे हो, तुम मेरे ही सामने धैर्य पर गोली चलाना चाहते हो, मोक्ष क्या तुम हमारी दोस्ती भूल गए हो? मोक्ष मैं तो तुम्हारी दोस्ती के लिए धैर्य से लड़ जाती थी और आज तुम मुझे उस दोस्ती का ये प्राइस दे रहे हो, मोक्ष प्लीज मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ चलो और हम कहीं बैठकर शांति से बात करते हैं। मोक्ष को आध्या की बात सुनकर और भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में गन धैर्य की तरफ कर दी, क्या मोक्ष धैर्य को जान से मार देगा? जैसे ही धैर्य की तरफ गन हुई आध्या और धैर्य दोनों ही डर गए। आध्या मोक्ष से हाथ जोड़ती है, मोक्ष ने आध्या से कहा, अगर तुम तुरंत गाड़ी में नहीं बैठी तो फिर मैं गोली चला दूंगा। आध्या ने मोक्ष से कहा, ठीक है मैं बैठ रही हूँ, लेकिन तुम गन नीचे करो। मोक्ष ने गन नीचे नहीं की और आध्या गाड़ी में बैठ गई। मोक्ष अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था और उसने गन अभी भी धैर्य की तरफ कर रखी थी। मोक्ष ने कहा, जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं अंजाम बुरा होगा, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे जाने के बाद अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो फिर आध्या को जिंदा नहीं देख पाओगे। धैर्य ने मोक्ष से कहा, आ गए ना तुम अपनी औकात पर, मैं जानता था तुम ऐसे ही हो, न जाने कितनी बार आध्या को तुमसे दूर रहने को कहा लेकिन आध्या मानी नहीं, काश वो पहले तुम्हारी सच्चाई जान गई होती तो आज तुम। मोक्ष ने कहा, चुप और शांत रह, जितना कह रहा हूँ उतना सुन और अपनी मत बता। इतना कहकर मोक्ष गाड़ी में बैठ गया और उसने जोर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। मोक्ष तेजी से गाड़ी को ले जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी पर हमला हो गया।
मोक्ष को गोली न लग जाए इसीलिए वो कार के अंदर छिप गया, और तब तक उसकी गाड़ी के चारों टायर पंचर हो चुके थे। धैर्य ने भी तुरंत कार का दरवाजा खोला और आध्या को बाहर निकाला। मोक्ष काफी डरा हुआ था क्योंकि एक गोली उसके हाथ में भी लगी थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था। मोक्ष ने कहा, किसने किया है ये सब और किसने मुझे गोली मारी है? अभी धैर्य के लोग वहां पर आ गए और उन्होंने मोक्ष की गाड़ी से मोक्ष को बाहर निकाला। जब मोक्ष बाहर आया तो बोला, तो ये सब तुम्हारी चाल थी और तुम पहले ही रेडी होकर आए थे। आध्या भी धैर्य के लोगों को देखकर हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धैर्य और उसके लोगों को ये कैसे पता चला कि आध्या कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। धैर्य ने मोक्ष से कहा, ये समझ ले तेरी किस्मत खराब थी और मुझे एक बार फिर से भगवान ने आध्या को बचाने के लिए भेज दिया। और वैसे भी जो गलत काम करता है भगवान उसका ज्यादा साथ नहीं देते हैं, एक ना एक दिन उस आदमी को मरना ही होता है। मोक्ष ने कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता है और तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। धैर्य ने मोक्ष से कहा, तुम तो पहले ही मरे हुए हो मोक्ष, तुम्हें कौन मार सकता है? मोक्ष के हाथ से खून निकल रहा था जिससे उसे काफी दर्द भी हो रहा था और वो बार बार डॉक्टर की डिमांड कर रहा था। तभी धैर्य की टीम से एक डॉक्टर आया और उसने मोक्ष के हाथ का टेम्पररी इलाज कर दिया और बोला, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलना होगा। आध्या ने धैर्य से कहा, धैर्य आखिर सच में तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? तुम कैसे जानते हो कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और तुम मुझे बचाने के लिए आ जाते हो? धैर्य ने आध्या की तरफ देखा और बोला, ये तो अच्छी बात है ना आध्या, कम से कम मैं तुम्हें हर बार बचा लेता हूँ और तुम्हें खोता नहीं हूँ। आध्या ने धैर्य से कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ तुम कैसे आ गए? तुम्हारी तो मीटिंग थी और तुमने तो कहा था कि तुम कल सुबह आओगे। धैर्य ने आध्या से कहा, मुझे कल ही आना था लेकिन मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दिया जाए और इसीलिए मैं एक दिन पहले आ गया और वैसे ही मेरा काम खत्म हो चुका था। फिर मेरे लोगों ने ये बताया कि तुम्हारी जान खतरे में है और कोई है जो तुम्हारा लगातार पीछा कर रहा है। हमने अपने लोगों से तुम्हारी लोकेशन पता करवाई और फिर यहाँ आ गया, और जब मैं यहाँ आया तो ये सब देखकर दंग था और इसीलिए मैंने सभी को तैयार रहने के लिए कह दिया, और मैं जानता था कि भले ही ये कितनी भी कोशिश कर ले ये तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। मोक्ष ने गुस्से में धैर्य से कहा, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें नहीं पता है मैं आध्या को तुमसे अलग करके ही रहूंगा और तुम्हें आध्या के साथ जीने नहीं दूंगा। आध्या और तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। धैर्य ने मोक्ष से कहा, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, होश में तो हो? और तुम क्यों मुझे आध्या से अलग करना चाहते हो? मोक्ष सिर्फ एक बात की रट लगाए हुए था और धैर्य ने अपने आदमियों से कहकर मोक्ष को गाड़ी में बैठा दिया और मोक्ष को धैर्य के आदमी अपने साथ लेकर चले गए। वहीं दूसरी तरफ ऋषि सत्यराज ने आज काफी दिन बाद प्रतिज्ञा को कॉल किया। प्रतिज्ञा ने जैसे ही कॉल उठाया ऋषि सत्यराज ने कहा, काश बेटा तुमने मेरा कॉल पिक कर लिया, कब से तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम कॉल उठाती ही नहीं हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, हर बार बस यही ख्याल आता है कि बस तुम जहाँ भी हो ठीक रहो। प्रतिज्ञा ने ऋषि सत्यराज से कहा, ओहो आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हो? मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे पता है कि मुझे कैसे खुद का ख्याल रखना है। अब तो बस आप अपना ख्याल रखो और इतना ज्यादा परेशान होना बंद कर दो, यहाँ सब ठीक है। ऋषि सत्यराज ने प्रतिज्ञा से कहा, और बेटा हर्ष तुम तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी, अब क्या हो गया, अचानक से तुम उसके साथ कैसे रहने लग गई? प्रतिज्ञा ने कहा, अब क्या ही कहूँ मैं, बस मुझे लगता है हर्ष को मुझे एक चांस और देना चाहिए और शायद अब हार्दिक के बाद वो सब कुछ ठीक कर ले। ऋषि सत्यराज ने कहा, तुम एक चांस उसे दे सकती हो, चांस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसकी वजह से तुम्हें फिर से वही सब कुछ झेलना पड़ा तो तुम क्या करोगी? ऐसा तो पक्का नहीं है कि वो सब कुछ सही ही कर देगा। प्रतिज्ञा ने कहा, पक्का तो कुछ भी नहीं है लेकिन शायद हार्दिक के बाद वो बदल जाए। उसने भी कहा है कि वो हार्दिक पर खुद का कोई भी असर नहीं पड़ने देगा और वो हार्दिक को एक अच्छा एनवायरनमेंट देगा, तो हो सकता है वो हार्दिक के कारण सही हो जाए। ऋषि सत्यराज ने कहा, अगर वो ऐसा करता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है प्रतिज्ञा, मैं भी चाहता हूँ कि हर्ष और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और तुम सब एक साथ रहो, लेकिन एक बार पहले भी हर्ष ने इसी तरह से प्रॉमिस किया था और उसने कहा था वो बदल देगा खुद को और कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा वो और भी खतरनाक हो गया था और उसके बाद तुम्हें जो भी झेलना पड़ा था वो तुम मुझसे बेहतर जानती हो, इसीलिए मेरा बस कहना यही है कि तुम जो भी डिसीजन ले रही हो उसे बहुत सोच समझ कर लेना। प्रतिज्ञा ने कहा, जी मैंने बहुत सोचने के बाद ये डिसीजन लिया है और अभी तो हर्ष भी बदला बदला सा है, हार्दिक के कारण वो खुद को बदलने को भी राजी हो गया है और आई होप वो आगे भी ऐसा ही रहेगा। ऋषि सत्यराज ने बात को चेंज करते हुए कहा, तुम्हारा एक लेटर आया है जिसमें तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है तो उसके लिए तुम्हें दिल्ली जाना होगा। प्रतिज्ञा ने कहा, मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ और ना ही ये अवार्ड फंक्शन के लिए इंटरेस्टेड हूँ, अब मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे जितना अचीव करना था मैं कर चुकी हूँ। ऋषि सत्यराज ने कहा, लेकिन अवार्ड्स को ठुकराते नहीं हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें कोई ना कोई अवार्ड मिलता है और तुम उसे ही लेने से मना कर रही हो। प्रतिज्ञा ने कहा, हाँ क्योंकि मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती हूँ
और मुझे नहीं पसंद है किसी भी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा होना। हर्ष प्रतिज्ञा के पास आया और उसने प्रतिज्ञा से कहा, प्रतिज्ञा क्या बात है, किससे बात कर रही थी तुम? प्रतिज्ञा ने हर्ष से कहा, कुछ नहीं, वो बस पापा का फोन था और मैं उनसे बात कर रही थी। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। प्रतिज्ञा के चेहरे पर गुस्सा भी था और आंखों में आंसू भी थे। हर्ष प्रतिज्ञा के पास आया और बोला, क्या बात है प्रतिज्ञा, मुझे बताओ, और तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम और हार्दिक ऐसे ही परेशान रहे फिर मुझे लगेगा कि शायद मैं तुम लोगों की केयर नहीं कर रहा हूं, और इसीलिए तुम दोनों परेशान हो। इसीलिए प्लीज प्रतिज्ञा, अगर कोई बात है तो तुम मुझे से बोल सकती हो। प्रतिज्ञा ने हर्ष की तरफ देखा और बोली, कोई बात नहीं है हर्ष, बस अब तुम कभी भी बदलना नहीं। मैंने तुम पर आखिरी बार भरोसा किया है, अगर इस बार भी तुमने मुझे धोखा दिया तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचूंगी। और अब सिर्फ हम पर सिर्फ एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हार्दिक की भी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमें एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ को जीना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, और कभी भी अपने पास्ट में तुम्हें वापस से जाना नहीं है। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, ये सब तो मैंने तुमसे पहले ही बोला है, मैं हार्दिक के लिए और तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, मैं अपना पास्ट भी अब भूलने को तैयार हूँ, मेरे लिए हार्दिक और तुम इम्पोर्टेंट हो, बाकी और कोई भी नहीं। हर्ष और प्रतिज्ञा में बात चल रही थी तभी हर्ष ने कहा, वैसे प्रतिज्ञा मैंने कुछ सुना कि तुम कहीं जाने के लिए कॉल पर मना कर रही थी और तुमने कहा तुम किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं होना चाहती हो, आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम और क्यों नहीं जा रही हो? प्रतिज्ञा ने हर्ष से कहा, बस अब मुझे किसी भी फंक्शन में शामिल होने का दिल नहीं करता है, मेरे लिए हार्दिक ही सब कुछ है और मैं उसी के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, तो तुम्हें उसके साथ वक्त बिताने से कौन रोक रहा है, तुम तो हमेशा उसके साथ ही हो ना। मेरा बस ये कहना है कि तुम अवार्ड फंक्शन को मना मत करो और तुम्हें उसके लिए जाना चाहिए। प्रतिज्ञा ने हर्ष की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, फिर तुम मुझे क्यों भेजना चाहते हो? मैं हार्दिक से एक पल के लिए भी दूर होना नहीं चाहती हूँ और तुम हो कि मुझे उससे दूर करना चाहते हो। प्रतिज्ञा गुस्से में वहां से चली गई और हर्ष भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। हर्ष ने प्रतिज्ञा को रोका और कहा, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस चीज का अवार्ड फंक्शन है और तुम्हें वहां किस चीज के लिए अवार्ड मिलना है? प्रतिज्ञा ने हर्ष को कहा, मैंने एक स्टोरी लिखकर भेजी थी और मेरी स्टोरी को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, उस स्टोरी को बड़े से बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया है और इसीलिए वो लोग मुझे अवार्ड देना चाहते हैं। हर्ष ने खुशी से कहा, ये तो कितनी अच्छी बात है, तुम लोगों से मिलोगी, बाहर जाओगी, तुम्हें और भी चांसेस मिलेंगे आगे बढ़ने के, एक बच्चे के हो जाने के बाद तुम अपनी लाइफ को रोक तो नहीं सकती हो प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा कुछ भी बोल नहीं रही थी और चुपचाप खड़ी थी। क्या हर्ष के समझाने के बाद प्रतिज्ञा अवार्ड लेने जाएगी? प्रतिज्ञा चुपचाप खड़ी थी और हर्ष उसे अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए कह रहा था। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, सोचो तुम्हें उन लोगों ने अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर तुम अवार्ड के लिए ही नहीं जाओगी तो उन्हें कैसा लगेगा? जो तुम्हें अवार्ड देने वाले थे वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और तुम्हें हर अवार्ड के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए और तुम इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए मना कर रही हो? प्रतिज्ञा ने हर्ष से कहा, मैं हार्दिक को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। हर्ष मुस्कुराया और बोला, मैं समझ गया प्रतिज्ञा, असल बात तो यह है कि तुम हार्दिक को मेरे पास छोड़कर जाना नहीं चाहती हो, तुम्हें प्रॉब्लम है अगर हार्दिक अकेले मेरे पास रहता है। प्रतिज्ञा ने हर्ष की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हर्ष थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और बोला, अब मैं तुम्हें ये कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं हार्दिक का ख्याल रखूंगा और हमेशा रखूंगा, मैं कभी भी उसे गलत संगत में नहीं पड़ने दूंगा और न ही चाहूंगा कि उस पर मेरे पुराने कामों का कोई असर पड़े। प्रतिज्ञा ने हर्ष की आंखों में देखा और बोली, ऐसी बात नहीं है हर्ष, वो बस मुझे हार्दिक को अकेले छोड़ने में डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा उसका ख्याल कोई भी नहीं रख सकता है। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, दुनिया की हर माँ को यही लगता है कि वो ही सिर्फ अपने बच्चे को पाल सकती है और उसका हस्बैंड तो कुछ कर ही नहीं सकता है। प्रतिज्ञा ने हर्ष से कहा, हर्ष अब तुम बात को इधर से उधर ले जा रहे हो, अगर मैं उस अवार्ड फंक्शन में नहीं जाऊंगी तो बहुत कुछ नहीं हो जाएगा, मैं उन्हें बोल दूंगी कि मैं किसी जरूरी काम में फंस गई थी इसीलिए वहां नहीं पहुंच सकी, और रही अवार्ड की बात तो मैं उनसे कह दूंगी कि वो मेरे अवार्ड को मेरे घर भिजवा दे। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, वैसे भी प्रतिज्ञा तुम अपने डिसीजन के आगे किसी की सुनती कहां हो, और मुझे पता है तुम मेरी भी नहीं सुनोगी, तो मुझे तो तुमसे जो कहना था वो मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी ना है तो कोई क्या कर सकता है, मैं चाहता था तुम जाओ लेकिन अगर तुम जाना ही नहीं चाहती तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। हर्ष वहां से जाने लगा और तभी उसने प्रतिज्ञा से कहा, आज तुम अपने अवार्ड के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, कल को किस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करोगी? हर दिन हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम और चैलेंजेस लेकर आता है, और मान लो ऐसी ही सिचुएशन आती रही फिर तुम क्या करोगी? प्रतिज्ञा ने हर्ष की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। प्रतिज्ञा गहराई से सोच रही थी और उसने मन में कहा, हर्ष की बात भी सही है, कब तक मैं ऐसे हर चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करूंगी, और अब जब मैं हर्ष के साथ रह रही हूँ तो मुझे हर्ष पर भरोसा करना होगा, हो सकता है वो ढंग से हार्दिक का ख्याल रख सके, मैं पहले से ही अपने ओपिनियन बनाकर नहीं रह सकती हूँ। हर्ष वहां से चला गया था और उसकी किसी से कॉल पर बात हो रही थी। हर्ष जिससे भी बात कर रहा था काफी तेज आवाज में उसे डांट रहा था।
प्रतिज्ञा ने जैसे ही ये सब देखा उसने मन में कहा, बस इन्हीं सब कारण से तो मैं हार्दिक से दूर जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है मेंस काम के आगे अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, इवन यहाँ तक खुद को भी भूल जाते हैं। फिर मैं कैसे हार्दिक को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मुझे पता है हर्ष तुम चाहकर भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाओगे। प्रतिज्ञा कंफ्यूज भी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। उधर आध्या और धैर्य घर वापस आ गए थे और धैर्य के लोग मोक्ष को अपने साथ ले गए थे। आध्या और धैर्य बैठे हुए थे तभी धैर्य ने आध्या के हाथ को देखते हुए कहा, अरे क्या है आध्या, तुम्हें बहुत सी खरोच आई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। धैर्य आध्या के हाथों में खरोच देखकर परेशान था और वो जल्दी से आध्या के हाथों पर दवाई लगाने लगा। आध्या धैर्य को प्यार वाली नजर से देख रही थी और आध्या ने कहा, धैर्य तुम कितने अच्छे हो, मेरा ख्याल रखते हो। मुझे जरा सी चोट लग जाती है और तुम परेशान हो जाते हो और मैं हूं कि तुमसे ही झगड़ती रहती थी। धैर्य ने आध्या से कहा, वो सब ठीक है, तुम पहले ये बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी आखिर। आध्या ने धैर्य से कहा, उसी मोक्ष ने जब मेरे हाथों को पकड़ा था और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाना चाहता था तभी मुझे ये चोट लगी थी। उसने मेरे हाथ को इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी जान ही निकल जाए और उसी ने मेरे पूरे हाथ को बर्बाद कर दिया। धैर्य आध्या के हाथ पर दवाई लगा रहा था और आध्या ने धैर्य से कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मोक्ष ऐसा कुछ भी कर सकता है। मतलब मोक्ष ने इतनी सारी प्लानिंग करी और तो और मुझे किडनैप करना चाहता था। माय गॉड, आज अगर तुम ना होते तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। धैर्य ने आध्या की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इसीलिए मोक्ष से दूर रहने के लिए कहता था। मुझे हमेशा से ही मोक्ष गलत लगता था, लेकिन न जाने तुम क्यों उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी और हमेशा उसकी ही साइड लेती थी। आध्या ने धैर्य से कहा, धैर्य मैं गलत थी, लेकिन वो इतना कुछ करेगा ये भी मुझे पता नहीं था। शायद मैं मोक्ष की नीयत का अंदाजा नहीं लगा सकी, लेकिन मुझे अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने ये सब किया क्यों। वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, फिर वो क्यों मुझे किडनैप करना चाहता था। मोक्ष ने आज तक कभी भी मुझे रोने नहीं दिया और मेरे हर काम में मेरी हेल्प की थी। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और वो चाहता था कि मैं हमेशा खुश रहूं। वो मेरे लिए बहुत कुछ करता था और करना चाहता था, फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने ये सब करने का सोचा। धैर्य ने आध्या से कहा, तुम भले ही पहले मोक्ष को अच्छा मानती थी, लेकिन मैं तब भी उसे गलत ही मानता था। मुझे पता है वो जब भी तुम्हारे साथ था और जब भी जो भी वो तुम्हारे लिए करता था उसके पीछे उसकी कोई ना कोई साजिश थी, और आज ये साजिश पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई। आज तो तुमने खुद देख लिया कि वो कैसा इंसान है और वो क्या कुछ कर सकता है। आध्या ने कहा, हाँ वो तो मैं जान गई कि मोक्ष कैसा इंसान है, लेकिन मोक्ष का ये सब करने के पीछे रीजन क्या है। धैर्य चुप था और आध्या भी इसी सोच में थी, आखिर मोक्ष ने ये सब क्यों किया। उधर सभी लोग मीटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग शुरू हुई और ऑफिसर ने वीरा से कहा, देखिए हम जो भी डील आपके साथ करने जा रहे हैं उसमें आपको काफी सेंसिटिव रहना होगा और बहुत सावधान भी रहना होगा, क्योंकि ये डील किसी कंपनी और निजी फायदे के लिए नहीं है बल्कि ये देश का सवाल है। इसीलिए प्लीज आप पहले तो ये समझ लीजिए कि इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। वीरा ने उस ऑफिसर से कहा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैंने न जाने कितनी सारी डील्स कराई हैं और किसी भी क्लाइंट ने आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं की है, तो जो आप बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और मेरी तरफ से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जो आपसे प्रॉमिस करेंगे वही आपको देंगे। ऑफिसर ने वीरा से कहा, आपको जब तक हमसे डील मिल रही है तब तक आपको ये डील किसी और से नहीं करनी होगी और आप सिर्फ अपनी सारी ही डील हमसे ही करेंगी। ऑफिसर ने कहा, इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखिएगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत सीक्रेट होना चाहिए और इस कमरे से भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ऑफिसर ने कई सवाल भी वीरा से किए और वीरा ने उन सभी सवालों का जवाब बेहद चालाकी से दिया, जिसके बाद ऑफिसर ने वीरा से डील करने के लिए हामी भर दी। उधर मीटिंग खत्म हो चुकी थी और प्रताप राठौर ने वीरा को डिनर के लिए घर पर बुलाया। वीरा डिनर के लिए शाम को प्रताप राठौर के यहाँ गई और वहां पर उसने ऋषि को देखा और ऋषि को देखकर हैरान रह गई। ऋषि ने भी वीरा को देखा और वो सिर्फ देखता ही रह गया। ऋषि और वीरा दोनों शौक थे और उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस तरह से मुलाकात होगी। ऋषि कुछ देर वहां पर खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। इतने में दिव्या वहां पर आ गई और उसने जैसे ही वीरा को देखा तो वो दंग रह गई और उसने गुस्से में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। प्रताप जी ने दिव्या को रोकते हुए कहा, ये हमारी गेस्ट हैं और तुम्हें इनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। दिव्या ने कहा, ये मेरी गेस्ट नहीं हो सकती और ना ही मैं इसकी शक्ल देख सकती हूँ। ये जो आज मेरी हालत हुई है उसकी जिम्मेदार यही है, इसी ने मेरे पैर को तोड़ा था, इसी ने मुझे देहरादून में परेशान किया था और मैं एक भी सेकंड के लिए इसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। प्रताप जी दिव्या के पास आए और बोले, ये कैसी बातें कर रही हो दिव्या तुम, मैंने बोला ना ये हमारी गेस्ट है और तुम उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो। प्रताप जी दिव्या की बात मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने दिव्या से कहा, मुझे लगता है तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हुआ है और तुम इन्हें कोई और समझ रही हो, ये वो नहीं है जिसे तुम समझ रही हो, ये एक फेमस बिजनेस वुमन है जिनके साथ हम हथियारों की डील करने वाले हैं। इतने में भक्ति भी वहां पर आ गई थी और जब वीरा ने भक्ति को देखा तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई।
भक्ति भी वीरा को देखकर हैरान थी। तभी ऋषि वहां पर आया और वो भक्ति को वहां से लेकर चला गया। भक्ति और वीरा में कुछ भी बात शुरू होने से पहले ही ऋषि भक्ति को लेकर चला गया था। भक्ति वीरा से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, लेकिन ऋषि ने भक्ति को कमरे में बंद कर दिया। उधर वीरा का चेहरा भी उदास हो गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वीरा ने मन में कहा, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर यह सब होने वाला है तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आती। मैं जिस चीज से जितना दूर जा रही हूँ वो चीज उतना ही मेरे करीब आ रही है। वीरा ने प्रताप राठौर से कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मुझे एक जरूरी काम भी है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं जाना चाहूंगी। प्रताप राठौर ने वीरा से कहा, देखिए अगर आप मेरी बेटी की बात का बुरा मान रही हैं तो उसकी जगह पर मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। वो थोड़ी सी गुस्सैल है और किसी से भी कुछ कह देती है, आप उसकी बात का बुरा न मानिए। वीरा ने हंसते हुए कहा, मैं किसी की भी बात का बुरा नहीं मान रही हूँ, वो तो बस मुझे एक जरूरी काम से निकलना था इसीलिए मैं यहाँ से जा रही थी। प्रताप जी ने वीरा से कहा, देखिए आपको जो भी काम है उसके लिए आप जा सकती हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे परिवार वालों के साथ खाना खाकर जरूर जाइए और इसके लिए मना नहीं करिएगा। प्रताप जी ने वीरा के सामने हाथ जोड़े और जिसके कारण वीरा को वहां पर रुकना पड़ा। क्या वीरा के वहां पर रुकने से कई राज खुलने वाले हैं? रात होते संग जैसे ही धैर्य ने आध्या को उदास देखा, वो उसके पास गया और आध्या की पीठ को सहलाते हुए बोला, अब उठो भी आध्या, कब तक मुझे तुम्हारा सैड फेस देखना पड़ेगा? आध्या ने धैर्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर धैर्य ने आध्या को दोबारा से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, कमोन आध्या, तुम तो कहती थी कि कोई भी बात तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, और अगर करेगी भी तो तुम उसे चुटकियों में खुद से दूर कर दोगी, फिर आज ये तुम्हें क्या हो गया है, कहाँ गई वो ब्रेव आध्या? आध्या ने धैर्य की तरफ देखा और रोते रोते कहा, आई डोंट नो धैर्य, पर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे मोक्ष से दोस्ती की बात पर पछताना होगा। आध्या की बात का जवाब देते हुए धैर्य बोला, इट्स लाइफ आध्या, हमें अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जो हमें अपने उन खास लोगों का सच दिखाएंगे जो पूरी जिंदगी हमारे वेल विशर्स बनते आए हैं, पर इसके चलते हम खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये बात खत्म होते ही धैर्य ने आध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, बस अब चलो उठो, आज तुम्हें तुम्हारा फेवरेट पास्ता खिलाता हूँ। आध्या के चेहरे पर स्माइल आई थी पर उसने उसे छुपाने की कोशिश की, जिसे देखकर धैर्य ने उसके कान पकड़े और कहा, डोंट डू दिस आध्या, आई नो तुम्हारा मन है पर तुम खुद को सीरियस दिखाने का नाटक कर रही हो। जिसके बाद आध्या हंसने लगी और फिर उसने धैर्य से कहा, तुम भी ना धैर्य कमाल करते हो, कहाँ से लाते हो इतनी बातें, और कभी कभी तो इतने खड़ूस बन जाते हो कि मन करता है तुम्हें जमकर पीटूं। धैर्य ने भी मजाक में आध्या से कहा, ओहो कोई वायलेंट होने के मूड में है, तुम्हें तो मैं डिनर करने के बाद वापस आकर बताता हूँ। और फिर आध्या धैर्य के साथ बाहर जाने से पहले तैयार होने के लिए चली गई। कुछ ही देर बाद धैर्य आध्या को लेकर बाहर एक रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए रवाना हो गया। जैसे ही आध्या और धैर्य रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां वेटर के आते ही धैर्य ने आध्या से पूछा, क्या ऑर्डर करना है आध्या? आध्या ने वेटर से कहा, मेरे लिए तो एक बढ़िया रेड सॉस पास्ता लेकर आओ। आध्या का ऑर्डर लेने के बाद वेटर ने धैर्य की तरफ देखा। धैर्य ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, भाई मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है इसीलिए मेरा पास्ता से कुछ नहीं होने वाला, मेरे लिए पूरा खाना लेकर आओ। धैर्य की बात सुनते ही आध्या जोर जोर से हंसने लगी। वहीं वेटर खड़ा होकर आध्या को हंसते हुए देखने लगा। धैर्य ने वेटर को डांट कर वहां से जाने के लिए बोलते हुए कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलो भागो यहाँ से। धैर्य की डांट सुनकर वो वेटर तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। कुछ ही देर में वो वेटर खाना लेकर वापस आया, जिसके बाद धैर्य और आध्या खाना खाने लगे। आध्या अपना पास्ता पूरा खत्म भी नहीं कर पाई थी और धैर्य ने अपना पूरा खाना खा लिया था। ये देखकर आध्या भी हैरान थी और उसने धैर्य से कहा, ओ माय गॉड धैर्य, तुमने इतनी जल्दी अपना खाना खत्म कर लिया। जिस पर जवाब देते हुए धैर्य ने कहा, मैंने बोला था ना आध्या कि मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम सॉरी, मैंने पूरा खाना बहुत जल्दी खत्म कर दिया। आध्या ने धैर्य को माफी मांगने से मना करते हुए कहा, नो नो धैर्य, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ऑल राइट, बस मैं थोड़ा हैरान रह गई थी। डिनर करने के बाद जैसे ही आध्या और धैर्य वहां उस रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे कि तभी वहां के मैनेजर ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर। उस मैनेजर की आवाज़ सुनकर आध्या और धैर्य रुक गए और धैर्य ने मैनेजर से कहा, यस मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैनेजर ने धैर्य की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, आज ही के दिन हमारे ओनर ने एक पब की ओपनिंग की है जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी वहाँ अपनी वाइफ के साथ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। धैर्य ने मैनेजर को थैंक्स बोला और फिर मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद धैर्य ने आध्या से पूछा, क्या कहती हो आध्या, पब चलना चाहोगी? आध्या ने अपनी हामी भरते हुए कहा, यस धैर्य व्हाई नॉट, वैसे भी मेरा मूड काफी ऑफ है, मे बी पब जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। जिसके बाद आध्या और धैर्य रेस्टोरेंट से जुड़े पब की ओर जाने लगे। वहां का माहौल देखकर आध्या बहुत खुश हुई और फिर उसने धैर्य का हाथ पकड़ा और बहुत ही तेज कदमों के साथ पब के अंदर जाने लगी। जैसे ही आध्या और धैर्य वहां अंदर पहुंचे, दोनों ही उस माहौल में पूरी तरह घुल गए थे और झूमने नाचने लगे।
काफी देर तक झूमने नाचने के बाद हैरी ने देखा कि आध्या ने बहुत सारी शराब पी ली थी, इसीलिए उसने आध्या को तुरंत के तुरंत वहां से चलने के लिए कहा। चलो आध्या, बहुत समय हो गया है। आध्या ने धैर्य से रुकने की जिद करते हुए कहा, नो धैर्य, मुझे अभी और डांस करना है। धैर्य जानता था कि वो आध्या की जिद के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली थी, इसीलिए उसने आध्या को समझाते हुए कहा, देखो आध्या, मैं तुम्हारे सामने दो चॉइस रख रहा हूँ, अब तुम उन दोनों में से चूज कर सकती हो कि तुम्हें क्या करना है। आध्या ने मुस्कुराकर धैर्य की तरफ देखा और कहा, कम ऑन धैर्य, प्लीज डोंट प्ले एनी ट्रिक्स, लेट्स गो। धैर्य ने आध्या से अपनी बात कहने की परमिशन लेते हुए कहा, अरे आध्या, एटलीस्ट मुझे अपनी बात रखने तो दो। आध्या ने अपना सर हिलाया और धैर्य को उसकी बात रखने की परमिशन दी, जिसके बाद धैर्य ने आध्या से कहा, लुक आध्या, हम लोगों ने ऑलरेडी काफी डांस कर लिया है एंड आई थिंक अब हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। धैर्य की बात सुनकर आध्या कुछ कन्फ्यूज सी हो गई और उसने धैर्य से पूछा, जो भी बात है साफ साफ कहो धैर्य, यूं पहेलियां मत पूछाओ। जिसे सुनकर धैर्य ने आध्या से लॉन्ग ड्राइव पर चलने की बात रखते हुए कहा, आध्या मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलो। लॉन्ग ड्राइव पर चलने की बात सुनकर आध्या ने पहले तो धैर्य को बहुत ध्यान से देखा और फिर कहा, तुम इतने एडवेंचरस कब से हो गए धैर्य, मुझे तो लगता था कि तुम्हें ये लॉन्ग ड्राइव वगैरह पसंद नहीं। धैर्य ने हंसते हुए आध्या की बात का जवाब दिया और कहा, आध्या, वक्त के हिसाब से मैंने भी खुद को बदलना सीख लिया है। आध्या ने एक नज़र पूरे पब की तरफ घुमाई और फिर धैर्य से कहा, तुम्हारा ये ऑफर मुझे पसंद आया धैर्य, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। और फिर इतना कहने के साथ ही आध्या धैर्य के साथ पब से बाहर आ गई। तभी धैर्य ने आध्या से वहां रुकने के लिए कहा, वेट हियर आध्या, मैं अभी कार लेकर आता हूं। और फिर कुछ ही पल में धैर्य आध्या के पास कार लेकर आया और इशारे से आध्या को कार के अंदर आने के लिए बोला, जिसके बाद धैर्य ने कार स्टार्ट की और फिर वो दोनों ही एक लंबे सफर के लिए निकल गए। रास्ते में आध्या ने धैर्य से पूछा, सच सच बताओ धैर्य, ये लॉन्ग ड्राइव का बहाना तुमने क्यों बनाया? अचानक आध्या के मुंह से ये सवाल सुनकर धैर्य कुछ हैरान सा हो गया और हिचकिचाते हुए बोला, नहीं आध्या, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। जिसे सुनकर आध्या ने कहा, झूठ तो तुम मत ही बोला करो धैर्य, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। जिसके बाद धैर्य ने आध्या को लॉन्ग ड्राइव पर लाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, ओके आध्या, सो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लाने के पीछे का रीजन ये था कि मैं नहीं चाहता था कि तुम उस पब में खूब सारी ड्रिंक पीने के बाद वियर्ड बिहेव करो। जैसे ही आध्या ने ये बात सुनी, उसने धैर्य की तरफ गुस्से में घूर कर देखा और कहा, हाउ डेयर यू धैर्य, आई विल नॉट लीव यू। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं ड्रिंक करने के बाद वियर्ड बिहेव करती हूँ? मुझे खुद को कंट्रोल करना आता है धैर्य। आध्या की बात सुनकर धैर्य ने हंसते हुए कहा, कम ऑन आध्या, कम से कम कभी तो अपनी हार मान लिया करो। आध्या ने धैर्य के सर को सहलाया और कहा, ओके ओके, मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव है धैर्य, लेट्स गो बैक नाउ, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। जिसके बाद धैर्य गाड़ी को वापसी की ओर मोड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों घर वापस आ गए और जैसे ही बेडरूम में पहुंचे, धैर्य ने पीछे से आध्या की कमर पकड़ ली। अचानक से धैर्य को ऐसा करते देख आध्या भी चौंक गई थी और फिर उसने धैर्य से उसे छोड़ने के लिए कहा, छोड़ो मुझे धैर्य, आई वॉन्ट टू स्लीप। धैर्य ने आध्या की गर्दन पर किस करते हुए कहा, नो, आज रात हम सिर्फ एक दूसरे को प्यार करेंगे। धैर्य के ऐसा करते ही आध्या ने भी उसे किस करना शुरू कर दिया और फिर दोनों के बीच काफी देर रोमांस हुआ, जिसके बाद दोनों ही सो गए। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति इस बात से काफी परेशान थी कि आखिर वीरा कहाँ गई थी। जब मुक्ति को किसी से भी इस बात का पता नहीं चल पाता कि वीरा किस वजह से घर से दूर गई हुई थी, इसीलिए वीरा का पता लगाने के लिए मुक्ति उसके फोन को ट्रेस करने की बात सोचने लगी। मुक्ति ने अपने मन में सोचते हुए कहा, पर ऐसा करना गलत होगा, मुझे बहुत ही केयरफुल रहना होगा। मुक्ति अपने मोबाइल में मौजूद एक ऐप के जरिए वीरा की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश में लग जाती है और कुछ ही देर में उसे वीरा का पता लग गया। जैसे ही मुक्ति को ये बात पता चली कि वीरा दिल्ली गई हुई थी, मुक्ति के चेहरे का रंग बदल गया और वो इस सोच में पड़ गई कि आखिर अचानक वीरा बिना उसे बताए दिल्ली किस काम से जा सकती थी। मुक्ति ने उस जगह को पूरी तरह से स्कैन किया और फिर उसे पता चला कि वीरा राठौर हाउस में मौजूद थी, जिसके बाद मुक्ति ने तुरंत अपने कंप्यूटर से राठौर हाउस के CCTV कैमरे को हैक करना शुरू कर दिया। तभी अरने और रावी भी वहां आ गए। रावी ने मुक्ति को आवाज लगाते हुए कहा, क्या कर रही हो मुक्ति? अचानक रावी की आवाज सुनकर कुछ देर के लिए मुक्ति भी चौंक गई और फिर उसने रावी को जवाब देते हुए कहा, ओह माय गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। रावी ने हंसते हुए मुक्ति की बात का जवाब दिया और कहा, ये तो तुम्हारे साथ अक्सर होता है मुक्ति, हल्की सी भी आहट होती है और तुम चौंक जाती हो। रावी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसका ध्यान मुक्ति के कंप्यूटर पर चल रहे राठौर हाउस में लगे CCTV कैमरे पर गया। रावी के माथे पर शिकन आ गई और उसने मुक्ति से पूछा, वॉट इज दिस मुक्ति, ये कहाँ का CCTV फुटेज है? तभी अरने ने भी पास जाकर CCTV फुटेज को गौर करके देखना शुरू कर दिया और उसने भी मुक्ति से पूछा, सीरियसली मुक्ति, ये क्या है? क्या तुम किसी की जासूसी कर रही हो? मुक्ति ने अरने और रावी की तरफ बारी बारी से देखा और फिर कहा, हाँ। रावी ने मुक्ति से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? मुक्ति ने रावी को जवाब दिए बगैर ही वापस CCTV फुटेज की तरफ देखना शुरू किया और कहा, CCTV फुटेज देखती जाओ, अभी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा।
जिसके बाद अर्णय, रावी और मुक्ति तीनों ही सीसीटीवी फुटेज को गौर करके देखने लगे। बहुत देर तक देखने के बावजूद भी मुक्ति को राठौर हाउस में वीरा कहीं नजर नहीं आई, जिस बारे में सोचते हुए मुक्ति ने अपने मन में कहा, आखिर ये मम्मी है कहाँ? उनके मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करने पर तो यही जगह पता चली थी। क्या वीरा राठौर हाउस से दूर जा चुकी थी? क्या आध्या मोक्ष से मिले धोखे से पूरी तरह उभर चुकी थी? मुक्ति फुटेज देख रही थी, लेकिन उसे कहीं भी वीरा दिखाई नहीं दे रही थी, और इसीलिए मुक्ति बार बार परेशान हो रही थी। उसे यकीन था कि उसकी टेक्नोलॉजी गलत नहीं हो सकती थी। अगर वीरा का मोबाइल वहां ट्रेस हो रहा था, इसका मतलब वीरा वहीं थी। लेकिन मुक्ति के मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर वीरा कहाँ थी। उधर राठौर जी के बार बार कहने पर वीरा डिनर के लिए रुक गई थी। राठौर जी ने वीरा से कहा, आप डिनर टेबल की चेयर पर बैठिए, हम अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं, पूरे परिवार के साथ डिनर करने का अपना ही मजा होता है। वीरा टेबल पर बैठ गई थी और राठौर ने ऋषि को दिव्या को डिनर टेबल पर आने को कहा। दिव्या और ऋषि दोनों ही वीरा के साथ खाना नहीं खाना चाहते थे, लेकिन राठौर जी के बार बार कहने पर ऋषि और दिव्या राजी हो गए। तभी राठौर जी ने ऋषि से कहा, भक्ति कहाँ है? उसे भी साथ बुला लो, हम सब साथ में खाना खाएंगे। ऋषि ने कहा, वो अभी अपना कुछ काम कर रही है और उसने डिस्टर्ब करने से मना किया है, तो वैसे भी हम सब तो हैं ही, तो चलिए हम सब खाते हैं खाना। राठौर जी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो ऋषि, वो हमारी मेहमान है और मेहमान के साथ सभी को बैठकर खाना खाना चाहिए, मेहमान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और तुम हो कि बहाने पर बहाने बनाए जा रहे हो। मैंने जितना कहा है उतना करो, अपना दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। राठौर जी वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद ऋषि, भक्ति और दिव्या सभी लोग टेबल पर आ गए थे और डिनर कर रहे थे। राठौर जी ने वीरा से कहा, तो वीरा जी, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। वीरा जैसे ही राठौर जी को कुछ बताने वाली थी, तभी भक्ति कुछ इशारा करने लगी और वीरा उसकी ओर देखने लगी। भक्ति वीरा की ओर इशारा करके ये बताना चाहती थी कि वो राठौर जी को कुछ भी ना बताए। भक्ति देहरादून गई थी, ये भी राठौर जी को पता नहीं चलना चाहिए। भक्ति इशारों में ही वीरा को समझाना चाह रही थी, लेकिन वीरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं जब भक्ति इशारा कर रही थी, तब ऋषि ने भक्ति को देख लिया और गुस्साते हुए कहा, भक्ति तुम जल्दी से खाना खाओ और अपना प्रोजेक्ट पूरा करो जाकर, मेरी तुम्हारी तरफ ही नजर है। तुम जो भी खुराफात कर रही हो उन पर मैं नजर बनाए हुए हूँ, इसीलिए चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से जाओ। ऋषि का बिहेवियर राठौर जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने ऋषि की तरफ घूर कर देखा और फिर वीरा से कहा, वीरा जी आप बताइए, यहाँ ये सब चलता रहता है, इस तरफ आप ध्यान मत दीजिए। वीरा ने भक्ति की तरफ देखा तो अभी भी कुछ इशारा कर रही थी और ऋषि भक्ति की तरफ घूर रहा था। वीरा ने राठौर जी से कहा, मेरी एक बेटी है। ऋषि ने वीरा की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास ही रहती है या फिर पैदा करने के बाद तुमने उसे छोड़ दिया? जैसे ही वीरा ने ऋषि के मुंह से यह बात सुनी, उसे भी गुस्सा आ गया और उसने ऋषि की तरफ घूर कर देखा। ऋषि को लग रहा था कि वीरा भक्ति की बात कर रही थी, क्योंकि ऋषि मुक्ति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। दिव्या ने भी वीरा को सुनना शुरू कर दिया और बोली, तो तुम्हारे एक बेटी है, लेकिन तुमने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो क्या बिना शादी किए ही तुमने बेटी कर ली? दिव्या वीरा का मजाक बना रही थी और हंस रही थी। राठौर जी ने कहा, दिव्या तमीज से बात करो और चुपचाप खाना खाओ। दिव्या यहीं पर नहीं रुकी और बोली, पता नहीं तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, बिना बाप के बेटी है। अरे तुम्हारे अंदर इतनी भी क्या आग थी, अगर बाप साथ नहीं रख सकती थी तो बेटी पैदा ही क्यों की थी? दिव्या लगातार वीरा को सुनाई जा रही थी। कुछ देर होने के बाद राठौर जी ने गुस्से में कहा, अगर अब तुम लोगों के मुंह से एक शब्द भी निकला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इसीलिए अब कोई भी नहीं बोलेगा। वीरा जी हमारी गेस्ट हैं और इनके साथ हमें बहुत बड़ी डील करनी है, अगर तुम लोग इनके साथ सही तरीके से पेश नहीं आ सकते तो कम से कम शांत रहो और चुपचाप खाना खाकर यहाँ से जाओ। राठौर जी काफी गुस्से में थे, इसीलिए सबने शांति से खाना खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वीरा ने अपना खाना फिनिश कर लिया और राठौर जी से कहा, आपने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया, थैंक यू सो मच, लेकिन अब मुझे जाना होगा। राठौर जी ने कहा, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है, हम और आप इतनी बड़ी डील कर रहे हैं तो ये सब तो बनता ही है, और आप इस डील के बाद हमें भूल नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आपके साथ आगे और भी डील करने वाले हैं। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके साथ डील करने के लिए हमेशा तैयार हैं और हम आपको भूल कर कहां ही जाएंगे, आप जब भी बताएंगे आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। इसके बाद वीरा वहां से निकल आई। उधर आध्या और धैर्य अब अपने काम में लग गए थे, क्योंकि दोनों के ही पास ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। धैर्य ने आध्या से कहा, अभी मुझे अपना बहुत सारा काम कंप्लीट करना है, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। आध्या ने धैर्य से कहा, मेरा भी बहुत सा प्रोजेक्ट बाकी है और मुझे कैसे भी करके आज ही कंप्लीट करना है, मैं भी जल्द से जल्द उसे पूरा करना चाहती हूँ और मुझे भी किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आध्या और धैर्य अपने अपने काम में बिजी थे। उधर प्रतिज्ञा अभी भी अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए राजी नहीं थी और उसने हर्ष से कहा, तुम मेरे हर काम के बीच में क्यों आते हो, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है वो मैं तय करूंगी, मुझे किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। हर्ष ने प्रतिज्ञा की तरफ देखा और कहा,
बस तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती है। आखिर मैं तुम्हारे डिसीजन को लेने में तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर सकता हूँ? तुम मेरी वाइफ हो और हमें एक दूसरे से सजेस्ट करके ही डिसीजन लेना चाहिए, और तुम हो कि? प्रतिज्ञा ने हर्ष से कहा, मुझे नहीं चाहिए अपने डिसीजन में किसी का इंटरफेयर। बस बात खत्म हो गई, अब मुझे बार बार लेक्चर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अवार्ड लेने के लिए जाना चाहिए। बाकी तुम्हें अगर नहीं जाना है तो ये तुम्हारी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा जो मन करे वो तुम करो, जो मुझे कहना था वो कह दिया। प्रतिज्ञा ने हर्ष से गुस्से में कहा, हाँ, और आगे से मेरे किसी भी काम में मुझे ये मत बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं सही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो बहुत सोच समझ कर करती हूँ, मैं कुछ भी यूं ही नहीं करती हूँ। प्रतिज्ञा का मूड ऑफ हो गया था और वो गुस्से में हर्ष के पास से चली गई थी। उधर वीरा के जाने के बाद राठौर जी ने भक्ति और दिव्या को अपने पास बुलाया। भक्ति और दिव्या काफी डरी हुई थी क्योंकि उन्हें पता था कि अब राठौर जी जरूर उनकी क्लास लेने वाले थे। राठौर जी ने दिव्या से कहा, तुम्हें पता था ना कि वो मेरी यहाँ पर गेस्ट बनकर आई थी, और फिर भी तुमने उनके साथ इस तरह से बिहेव किया। तुम्हें पता है मैं अपने गेस्ट को भगवान की तरह मानता हूँ, और तुमने उसकी बेइज्जती की और उसे बुरा भला कहा। दिव्या ने राठौर जी से कहा, मैंने जो कहा वो सच कहा, उसमें मेरी क्या गलती है? जो सच है उसे बोलने में क्या हर्ज है? राठौर जी काफी गुस्से में थे और उन्होंने दिव्या से कहा, सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है? तुम उसके आगे पीछे के बारे में भी जानती हो? वो बहुत पावरफुल है। ऐसे ही नहीं, हम उसके साथ इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, वो कितनी पावरफुल है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और अगर अभी तुम लोगों की हरकतों की वजह से मेरे हाथ से डील जाती तो मैं तुम दोनों को छोड़ता नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरी डील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिव्या ने राठौर जी से कहा, आप भी उसके बारे में नहीं जानते हैं, और आप जो उससे डील कर रहे हैं उसे कैंसिल कर दीजिए, नहीं आपको भी पछताना पड़ेगा। राठौर जी का गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने कहा, बस चुप हो जाओ दिव्या, तुम हमेशा जो मर्जी आती है वो कहती रहती हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि हम लोग सब कुछ देखकर ही डील करते हैं, और अगर वो हमारे लिए कहीं से भी खतरा होती तो हम उसे अप्रोच ही नहीं करते। दिव्या शांत खड़ी हुई थी, राठौर जी काफी ज्यादा गुस्से में थे। थोड़ी देर बाद राठौर जी वहां से चले गए और भक्ति ने दिव्या से गुस्से में कहा, तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दिव्या ने भक्ति की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, और अपनी ये धमकी अपने पास ही रखना। उसने तुमसे एक बार बात भी नहीं की और तुम उसे अपनी माँ कह रही हो? वो तुम्हें अपनी बेटी मानती होती तो तुम्हें अपने पास रखती, वो तो तुम्हें ऐसे इग्नोर करके चली गई जैसे वो तुम्हें जानती ही नहीं थी। भक्ति ने दिव्या से कहा, हमारा और उनका वो आपसी मैटर है, और तुम उसमें ना पढ़ो तो ज्यादा ही अच्छा है। भक्ति दिव्या के पास गई और जब उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था तो दिव्या के मुंह को एक कपड़े से ढक दिया। अब दिव्या ना ही बोल पा रही थी और ना ही सांस ले पा रही थी, और उसे दिख भी नहीं रहा था। भक्ति ने दिव्या से कहा, अब मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, और अब तुम देखो मेरी माँ से गलत ढंग से बोलने का अंजाम क्या होता है। दिव्या बार बार हेल्प लेने के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ ही निकल नहीं रही थी और उसका दम भी घुट रहा था। भक्ति ने दिव्या के हाथ पकड़े और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले आई। कमरे में लाकर भक्ति ने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जिससे उसकी आवाज़ बाहर न जाए। भक्ति ने दिव्या को एक चेयर पर बैठाया और उसे रस्सी से बांध दिया जिससे कि दिव्या कहीं भाग कर ना जा पाए। भक्ति ने दिव्या से कहा, क्या हुआ? अब दर्द हुआ? अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना? यही होता है मेरे साथ जब तुम मेरी माँ को बुरा भला कहती हो। मुझे भी ऐसे ही घुटन होती है, तब मन करता है तुम्हें मार ही दूं। लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख पाऊंगी। इतना कहकर भक्ति ने दिव्या के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही भक्ति ने कपड़ा हटाया, दिव्या जोर जोर से सांस ले रही थी और वो एकदम बदहवास हो गई थी। उसके नाक से खून निकल रहा था और उसका चेहरा पसीने के कारण गीला था। दिव्या ने हांफते हुए कहा, भक्ति मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। भक्ति ने दिव्या के चेहरे पर जोर का तमाचा मारते हुए कहा, अभी तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? अभी तो तुम्हें और भी तड़पना बाकी है, और मैं तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगी जितना मैं अपनी फैमिली से दूर होकर तड़पती हूँ। भक्ति अब दिव्या के साथ क्या करने वाली है?